उतनी भीड़, मतलब नॉर्मल से जो रेस्टोरेंट थे वहां पे कम से कम 100-150 बंदे बाहर एकदम लाइन लगा के खड़े थे, क्योंकि एक्स्ट्रा सारा लोड बढ़ गया था रेस्टोरेंट्स के ऊपर, सारे मेस ऑफ थे रक्षाबंधन वाले। तो जनरली क्या होता है भाई, रक्षाबंधन या फिर दिवाली होती है, मतलब जो वर्कर्स होते हैं मेस में, तो सारे बाहर के होते हैं कोटा से, वो अपने घर चले जाते हैं, तो सारे मेस एक ही साथ ऑफ हुए, तो सारे रेस्टोरेंट्स पे एक साथ प्रेशर बन गया था। बात करते हैं हाउ टू चूज अ परफेक्ट हॉस्टल फॉर यू, ठीक है। अब हॉस्टल चूज करने में भी बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं ऊपर को दिमाग में रखने हो। हॉस्टल वो जगह होगी जहाँ पे आप कोचिंग के अलावा जितना भी टाइम हो सारा हॉस्टल में स्पेंड करने वाले, एक तरह से कोटा में आपका घर होगा वो, जो छोटा सा रूम आपको मिलने वाला है वहाँ पे, तो उसको एक अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो बहुत से पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में अपन बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी ऑफ कोटा हॉस्टल्स, या फिर हॉस्टल में रहते हुए आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो उसको सेलेक्ट कर लो, कि यार मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना, मेरे को तो इस कैटेगरी के अंदर रहना है, तो उस कैटेगरी वाले हॉस्टल्स को ही अपन को टारगेट करना है। तो सबसे पहली चीज होगी प्राइस की, सेकंड चीज अपन को देखनी है ब्रोकर से बच के रहना है, मतलब पहले आज से 10 साल पहले कोटा में जो दलाल वाला काम होता है ना, ब्रोकर्स वाला, कि पकड़ लेंगे आपको और बता देंगे ये हॉस्टल बढ़िया है यहाँ पे चले जाओ, क्योंकि उनका कमीशन रहता है, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़िया बात करके आपको फंसा देंगे उस हॉस्टल के अंदर, आप वहाँ पे एडमिशन ले लोगे, बाद में वो ब्रोकर आपको पूरे जिंदगी भर कहीं नहीं दिखेगा। तो ये चीजें आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा होती थी, पर अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई, चीजें सारी डिजिटल हो गई, बच्चे पहले से प्रिपेयर होके जाते हैं, तो ये ब्रोकर वाला सीन आपको कम देखने को मिलेगा, पर हो सकता है कहीं ना कहीं मिले, आपके पेरेंट्स वगैरह इसके अंदर भ्रमित ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बच के रहना। मान लो आप कोचिंग से एडमिशन करा के निकले, तो ऑटो में बैठते ही आपको 4-5 ऐसे ब्रोकर आ जाएंगे, अलग अलग हॉस्टल के कार्ड देते रहेंगे, देखो भैया ये हॉस्टल बढ़िया ऐसे वैसे, तो अपने दिमाग में एक चीज फोकस में रखना कि यार भैया ने बोल रखा ब्रोकर में फंसना नहीं, कार्ड सबके लेने, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी कौन सा हॉस्टल नया खुला है, किसमें क्या फैसिलिटी है, फिर सोचना अपने हिसाब से, यार मेरा ये प्राइस का टारगेट है, मेरे को नॉन एसी रूम चाहिए, मेरे को एसी रूम चाहिए, ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है, ब्रोकर में अपन को फंसना नहीं है। थर्ड नंबर पर चीज आती है यार हॉस्टल प्रिफर कोचिंग लोकेलिटी में करना, भैया आपकी कोचिंग मान लो इंदिरा विहार के अंदर है, तो इंदिरा विहार के आसपास ही अपना हॉस्टल ही देखना, ज्यादा दूर देखोगे 3-4 किलोमीटर दूर, फिर आपको साइकिल एक्वायर करनी पड़ेगी, फिर साइकिल से आओगे वो टाइम वेस्ट अलग होगा, डाउट पूछना होगा, फिर लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास होगी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो मिनिमम 1.5-2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आप अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे मेरा हॉस्टल मेरी कोचिंग से मात्र 400 मीटर दूरी था, तो भाई कोई भी एक्स्ट्रा क्लास होती फटाफट, मान लो लेट भी हो रही जाने में, तो फटाफट से पैदल जाते पहुंच जाते वहां पे, तो ये फायदा मिलता है आपको। तो कोचिंग की लोकेलिटी में रहोगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले आप जहाँ पे कोचिंग आपने सेलेक्ट की है अपनी, अगर आपने कोचिंग सेलेक्ट नहीं, कंफ्यूजन हो रहा हो उसके अंदर भाई कोटा में कौन सी कोचिंग लेनी है, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी रिव्यू की प्लेलिस्ट बना रखी है, कोटा कोचिंग रिव्यू, सबकी ग्राउंड रियलिटी, उनका फीस स्ट्रक्चर, उनका प्रोसेस सब कुछ बता रखा है डिटेल के अंदर, आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लो, आपको पता चलेगा कौन सी कोचिंग मेरे को लेनी है। तो कोचिंग आपने मानो डिसाइड कर लिया, वहां पे एडमिशन करा लिया आपने, तो उस कोचिंग की ही लोकेलिटी में अपन को देखना है सबसे पहले हॉस्टल, वहां पे कोई ढंगा नहीं मिले तो फिर यार अपना इस चीज को इग्नोर कर देंगे, चीज बढ़िया होनी चाहिए। अगर वहां पे हॉस्टल आपके आपकी प्राइस के अंदर, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ना मिले, तो फिर अपन 3-4 किलोमीटर दूर अफोर्ड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो चीज है यार, बिहेवियर ऑफ स्टाफ और एनवायरमेंट, ये आपके पेरेंट्स 15-20 मिनट में ऑब्जर्व कर लेंगे और आप भी कर लोगे, क्योंकि आप वहां पे जाओगे तो बच्चों का क्या एटीट्यूड है उन स्टाफ के प्रति, स्टाफ किस तरह से दूसरे बच्चों से बात कर रहे हैं, आपसे तो सब स्टार्टिंग में एकदम बढ़िया तरीके से बोलेंगे, क्योंकि आप उनके नए नए कस्टमर, अब जब तक आपके पेरेंट्स रहेंगे तब तक आपको खाना भी बढ़िया मिलेगा, बात भी आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पर आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं, पेरेंट्स को पहले समझा के जाना, 15-20 मिनट तक ऐसे घूमते रहना हॉस्टल का, जब वो टूर कराए ना तब तक बच्चों का जो बिहेवियर उसको ऑब्जर्व करना, और कहीं पे साइड में कोई स्टूडेंट घूमता फिरता दिख जाए तो उसको रोक के पूछ लेना भाई कितने टाइम से रह रहा, क्या फैसिलिटी है, क्या क्या, वो जैसा रिव्यू देगा ना उससे बड़ा रिव्यू आपको कोई नहीं दे सकता, जब तक आपके पेरेंट्स मैनेजर वगैरह से बात करते रहेंगे साइड में आप घुस के बच्चों से पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना आपको है, इसलिए आपको एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और जो फिफ्थ चीज यार, पेरेंट्स के स्टे की, ठीक, जनरली पेरेंट्स इतने आते नहीं कोटा के अंदर, फिर भी पूछ लेना सही रहता है हॉस्टल के अंदर क्या सिस्टम है पेरेंट्स के रुकने का, ठीक है,
अलग अलग हॉस्टल में वेरी करता है। कोई कोई हॉस्टल के अंदर केवल आपको खाने का चार्ज देंगे, पेरेंट्स का रुकवा आपको ऐसे देंगे आपके रूम के अंदर। कोई भी हॉस्टल के अंदर रुकने के लिए भी अलग से पैसे लेते हैं। मेरे हॉस्टल के अंदर 600 रुपए थे पर डे, मतलब वन नाइट स्टे अगर कोई पेरेंट करता है तो 600 रुपीज थे उसके। ठीक है, तो उसके अंदर सारा उसका जो भी डाइट्स होगी, 4 मील होगी उसके अंदर और एक रात का जो स्टे होगा वो इंक्लूडेड होगा। वो मैट्रेस ला देते थे रूम के अंदर। तो ये सिस्टम था, तो अलग अलग हॉस्टल में वेरी करता। तो इसके बारे में भी आप पूछ लेना पहले पेरेंट्स के स्टे का क्या सिस्टम है, क्या रूल रहता है। कहीं कहीं पे फ्री रहता है, कहीं कहीं पे पेड रहता है, तो सब जगह अलग अलग रूल होते हैं, तो इन सबको पहले ही देख लेना। और जो लास्ट थिंग है ये पता कर लेना, जो वो प्राइस बता रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को इंक्लूड करने के बाद में एक्सक्लूड करने के बाद में, मैक्सिमम 90% केसेस में तो आपके रूम के आगे सब मीटर लगा हुआ होगा जहाँ पे आप मंथली जितने भी यूनिट आपने यूज किए उतना आपको पे करना पड़ेगा। वो एडवांस में लेके रखते हैं, मान लो आप गए तो एडमिशन के टाइम उन्होंने 10,000 रुपये लेके रख लेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, और पूरे साल भर में 10 महीने में जितना भी आप रहो, जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं उसके हिसाब से, मान लो आपके 6,000 रुपये में तो वो 4,000 आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है। फिर भी आप पहले पूछ लेना भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या सिस्टम है, चार्जेस इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो उसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में अपन को पता कर लेना चाहिए। अब मैं अगर हॉस्टल के चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं हॉस्टल के मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट हो रखे जो चैलेंजेस है उनकी ही बात करूंगा। बाकी आप अलग अलग तरह की समस्याएं क्रिएट करोगे मुझे पता है, उनके बारे में अलग वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी। हॉस्टल से रिलेटेड क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो फर्स्ट नंबर पर जो चैलेंज है आपका, मंथली एक बार तो मैच ऑफ रहेगा। अब ये सारे हॉस्टल्स के अंदर नहीं रहता है ऐसा सिस्टम, कुछ कुछ हॉस्टल्स के अंदर रहता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 40-50% हॉस्टल्स के अंदर मैच ऑफ का सिस्टम रहता है। मंथली एक बार मैच ऑफ करेंगे और एक स्लॉट के लिए करेंगे, मतलब तो फिर उस दिन आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, बाहर कोई रेस्टोरेंट पे जाकर खाना पड़ेगा या फिर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो हॉस्टल के ऊपर भी। ठीक है, एक बार तो आपका खुद का ही मन हो जाएगा यार एक बार तो बाहर का खाएंगे कम से कम, या रोज रोज मतलब आप उब जाओ एक टाइम ऐसा है 2-3 महीने बाद में कि आप परेशान होने लगोगे यार एक ही खाना इतने टाइम से खा रहे हैं। तो ये मैस ऑफ की स्टोरी मेरे साथ में एक बार रुकी, बहुत खतरनाक। हमारे दिन मैस ऑफ हो गया था और उस दिन रक्षाबंधन था, घर पे बहुत से बच्चे तो घर पे चले गए, हम तो वहीं पे थे। रेस्टोरेंट्स के अंदर मैक्सिमम रेस्टोरेंट अपनी सर्विस नहीं दे रहे थे, और जो फूड डिलीवरिंग एप्लीकेशन से वो डिलीवर नहीं कर रहे थे, कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो नहीं तो हम वैसे मंगा लेते थे, ऑनलाइन मंगा लेते थे, पर ऐसा कोई सीन ही नहीं था। और हॉस्टल के अंदर मैस पूरा ऑफ, तो हम कम से कम 2-3 घंटे तक भटकते रहे उधर उधर, कहीं भी हमको कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं मिला। इतनी भीड़, मतलब नॉर्मल से जो रेस्टोरेंट थे वहां पे कम से कम 100-150 बंदे बाहर एकदम लाइन लगा के खड़े थे, क्योंकि एक्स्ट्रा सारा लोड पड़ गया था रेस्टोरेंट्स के ऊपर, सारे मैस ऑफ थे रक्षाबंधन वाले थे। क्योंकि जनरली क्या होता है भाई रक्षाबंधन या फिर दिवाली होती है ना, जब जो वर्कर्स होते हैं मैस वर्कर्स सारे बाहर के होते हैं कोटा से, वो अपने घर चले जाते हैं, तो सारे मैस एक ही साथ में ऑफ हुए, तो सारे रेस्टोरेंट्स पे एक साथ प्रेशर बन गया था, तो फुल भीड़ थी, मतलब नंबर आने के कोई चांसेस नहीं थे। ये चीजें कभी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती, कभी कभी होती है, एक एक्सपीरियंस ही देखे जाती है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे चैलेंज की बात करते हैं यार, खाना जो मिलेगा ना आपको भाई, आप 5 वाला लो चाहे 15 वाला लो चाहे 25 वाला हॉस्टल लो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपका जो खाना मिलेगा ना उसके बाद में महीने 2 महीने बाद में खाने की क्वालिटी डिग्रेड होगी, टेस्ट की क्वालिटी डिग्रेड होगी। अब कोई कोई हॉस्टल है उसके अंदर जो क्वालिटी कम हो रही है उसका गैप कोई कोई हॉस्टल में तो इतना रहेगा, कोई कोई हॉस्टल में इतना भी हो जाता है, तो वो हॉस्टल टू हॉस्टल मैटर करता है, पर क्वालिटी कम होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चे नए नए आते हैं, उनको मन लगाना होता है भाई, हॉस्टल वालों को सब साइकोलॉजी पता है। ठीक है, भाई उनका मन सेट करना है तो हफ्ते में 3-4 स्पेशल डाइट देंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई निकालेंगे स्पेशल डाइट के अंदर, पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं तो एकदम हाई क्वालिटी का खाना होगा। फिर जैसे 2-3 महीने बाद लगता है बच्चे एकदम सेट है, यहाँ पे चिल मूड में रह रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का एकदम दिमाग में इनके प्रेशर आ रखा है, खाने वाले में जब ध्यान नहीं देंगे तो वो खाने की क्वालिटी को धीरे से चुपके से धीरे धीरे करते करते कम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हर हॉस्टल में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप कितने बड़े से बड़े हॉस्टल में चले जाओ वहां पे भी क्वालिटी कम होगी, जितनी थी उससे कम होगी। ठीक है, जितनी उस हॉस्टल की पहले क्वालिटी थी उससे तो कम होगी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगी मिलेगी। हॉस्टल लाइफ के अंदर बहुत से दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं, दोस्तों के साथ में ज्यादा अपन गप्पे लगाने लग जाते हैं, तो उस तरह के चैलेंज होते हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो अपन कवर करेंगे। ये जो सारी चीजें थी ये भाई आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोटा जाओगे तो आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हर जगह की होनी चाहिए, और सतर्क रहना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो यार अगर आपको मेरी अनदेखा कोटा वीडियो सीरीज से हेल्प मिल रही है, इस इनिशिएटिव को अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज लाइक करना, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, अपकमिंग वीडियोज कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कोई भी क्यूरियो आप मेरे पूछ सकते हो, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।